नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 सितंबर से होगा। इसके लिए संसदीय कार्य विभाग की ओर से भेजी गई फाइल का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह का ये सत्र रखा जा सकता है। 6 माह में विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक था। बजट सत्र के बाद 18 सितंबर को 6 माह पूरे हो रहे थे। ऐसे में सरकार ने 9 सितंबर से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दे दी है। जयपुर के प्रागपुरा इलाके में देसी पिस्टल दिखाकर कारोबारी को लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की मदद लेनी पड़ी। इसके बाद संभावित ठिकानों पर छापा मारा गया, तब दोनों लुटेरे गिरफ्त में आ गए। अजमेर जिले के ब्यावर स्थित राजकीय अमृत कौर अस्पताल के मदर चाइल्ड विंग परिसर में देर रात सांप घुस गया। सांप दिखने से हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव पहुंचे। डॉक्टर ने सांप को पकड़ा, इसके बाद अस्पताल के बाहर जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान सांप ने डॉक्टर को डस लिया। उन्हें चक्कर आने लगे तो श्रीवास्तव को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। जयपुर के निर्माण नगर के श्रीवास्तव अब स्वस्थ हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है। खासतौर पर एशिया का बाजार इससे प्रभावित हुआ है। शेयर बाजार के साथ कीमती धातुओं में निवेश में भी हलचल बनी हुई है। निवेशकों में ठहराव का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। जयपुर के सराफा बाजार में आज सोना कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि भाजपा की ओर से जारी की गई सूची में जयपुर जिले की 5 पंचायत समितियों के 11 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए गए। इसका कारण इन वार्डों में कहीं एक से ज़्यादा प्रत्याशी सामने आने लगे तो कहीं उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण घोषणा नहीं की गई। जयपुर में 27 साल की एक युवती ने पति के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि वैलेंटाइन डे पर उसे युवक ने शादी करने का झांसा दिया, धोखे से शादी करके उसके साथ रेप किया। वो 3 साल से उसके साथ रेप कर रहा है। महिला के सारे रुपए हड़प कर लिए और मारपीट कर निकाल दिया। परेशान होकर उसने पति और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्लीन जोधपुर क्लीन भारत की सोच के साथ मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के कर्मचारियों ने किला रोड पर साफ सफाई का श्रमदान किया। इस श्रमदान के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा 4 ट्रैक्टर कचरा एकत्रित किया गया। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों में एक टीचर्स अवार्ड भी है। इस बार ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक टीचर्स को उनके कार्यों और परीक्षा परिणाम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पिछले दिनों अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था, जिसकी लास्ट डेट सोमवार रात 12 बजे तक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अब तक 1500 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। ये संख्या आज 3000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कमर चौधरी ने विभिन्न आवासीय योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आवासीय योजनाओं का निरीक्षण कर वहां मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सीवरेज इत्यादि की सुविधाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई अधिकारी उनके साथ थे। शिव आराधना और उपासना के विशेष महीने सावन के अंतिम और चौथे सोमवार पर शिव मंदिरों और शिवालयों में भीड़ रही। इस दौरान शहर के सभी शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। शिवालयों में दिनभर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक के कार्यक्रम चलते रहे। सुबह से ही रुद्री पाठ और विभिन्न तरहों से अभिषेक का क्रम चलता रहा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल कार्यालय में भगत की कोठी शाखा के शैक्षणिक कार्यक्रम की बैठक रखी गई। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि भगत की कोठी शाखा के रिक्त पदों पर शरद जोशी को शाखा सचिव तथा उदय कुमार को शाखा अध्यक्ष व विजय सिंह गुर्जर को सहायक शाखा सचिव के पद पर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। जोधपुर जिले में पंचायती राज संस्थानों के आम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज यहां जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए कई अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।
भारत की आज़ादी के 74 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर खादी स्टॉल लगाई गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ये स्टॉल आम जनता के लिए 75 घंटे खुली रहेगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के अनुसार खादी स्टॉल 23 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम के 6 बजे तक आम जनता के लिए खादी उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री हेतु खुली रहेगी। बीकानेर में कोरोना पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। लगातार कम हो रहे एक्टिव केस अब शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल बीकानेर में महज 4 संक्रमित हैं जिनका उपचार चल रहा है। अगले कुछ दिनों में अगर नया केस नहीं आता है तो एक बार की बीकानेर भी कोरोना फ्री हो सकता है। राज्य के करीब 10 जिले फिलहाल शून्य कोरोना पॉजिटिव वाले हैं, जबकि आधा दर्जन में एक एक संक्रमित हैं। जोधपुर में पंचायत समिति लूनी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सजवाड़ा में संचालित नेशनल ग्रीन कोर्स स्काउट गाइड इको क्लब की गतिविधियों के अंतर्गत पोस्टर, निबंध, भाषण एवं नारा लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा जूनागल द्वारा विजेता गाइड छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।